हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट पेट्स 2A। आज की वीडियो का टॉपिक मेनली ये है कि क्या रैबिट पानी पीते हैं कि नहीं। कैन रैबिट ड्रिंक वाटर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या रैबिट पानी पीते हैं कि नहीं, और जब आपका रैबिट पानी ना पीता हो तो हमने क्या करना है, कौन सी ट्रीटमेंट देनी है, वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो जो मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि रैबिट पानी पी सकता है कि नहीं, ये सबसे मेनली फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि रैबिट पानी पीता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रैबिट पानी पी सकता है, और आप सोचते होंगे कि मेरा रैबिट तो पानी नहीं पी रहा है। इसका ट्रीटमेंट आपको लास्ट में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि रैबिट पानी पी लेता है, तो कितने, मतलब कितने अमाउंट में पानी पीता है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन होगा। तो एक रैबिट ज़्यादा से ज़्यादा एक स्मॉल ब्रीड डॉग के हिसाब से पानी पी लेता है। तो आपका रैबिट जब पानी नहीं पीता तो हमने क्या करना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, और मेरे ये वाइटी का रूम देख सकते हो आप, इतना बड़ा होम दिया है, और इसका सबसे पहला बेबी भी मैं लेके आ चुका हूँ। वो बॉक्स में है, वो मैं अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, उम्मीद होगा, क्योंकि बहुत बंदे कह रहे हैं मुझे बेच दो, तो मैं जब उन्हें फ्री में दे दूंगा या बेच दूंगा, तो अगली वीडियो में मैं आपको उसका भी दिखा दूंगा। जब आपका रैबिट पानी नहीं पीता, इसका मेनली रीज़न क्या है, क्योंकि जब आपका रैबिट बीमार हो, क्योंकि रैबिट जब बीमार होते हैं या अनहेल्थी होते हैं तब वो पानी नहीं पीते हैं। जब आपका रैबिट अनहेल्थी है तो आपने ध्यान देना है कि उसे ठीक करना है। तो हमने उसे पानी कैसे पिलाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि रैबिट विंटर में पानी नहीं पीते हैं, उन्हें विंटर में पानी घास में से ही मिल जाता है। तो जब आपका रैबिट पानी ना पीता हो तो हमने क्या करना है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रैबिट पानी ना पीता हो तो आपने सबसे पहले उसे मेनली पानी उसके सामने कटोरी में रख देना है, हमेशा जब तक आप घर में रहते हो या रैबिट रहता है, हमेशा पानी उसके सामने होना चाहिए। और दूसरी बात, जब आपका रैबिट तब भी पानी ना पिए तो आपने क्या करना है, उसे फ्रूट और वेजिटेबल देना है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो। वेजिटेबल के हिसाब से कुकुम्बर और फ्रूट के हिसाब से वाटरमेलन, हर चीज़ में पानी होता है। और जैसे कि कैबेज, उसमें भी बहुत पानी होता है। कोई कोई बंदे कहते हैं कि कैबेज नहीं देना चाहिए, पर रैबिट को देना चाहिए। तो कैबेज देना है तो आपका रैबिट पानी पीने लग जाएगा। उसे मतलब पानी ना भी मिले तो ऐसे भी वो थोड़ा सा उसे पता चल जाएगा कि ये पानी है, ये मुझे हार्म नहीं कर सकता, खाने से उसे पता चल जाएगा, तो वो पानी भी पीने लग जाएगा। और थर्ड तरीका ये है कि वो बहुत ही सिंपल है, वो आप कोई भी कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। तरीका ये है कि जब आप जो भी घास देते हो वो उसमें आप क्या करो, उसे धो के दिया करो। उसमें धोते हो तो उसमें पानी रह जाता है, और जब आपका रैबिट खाता है तो उसमें उससे ही पानी मिल जाता है। घास में तो पानी होता ही है, और उसको आप धो दोगे तो उसमें एक्स्ट्रा पानी आ जाएगा। एक्स्ट्रा पानी आ जाएगा तो उसे उसकी बॉडी को मिल जाएगा, क्योंकि जब रैबिट पानी ना पिए तो उनके खाना उनके बॉडी पर नहीं लगता है, और वो बॉडी उसकी पतली हो जाती है, तो वो सुकड़ के बीमार होकर मर जाते हैं। तो आज की वीडियो आप मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी लगी होगी। जब लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई है। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं बेबी बनीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं एक थंबनेल ले लूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ बेबी बनीज को। मैंने सबसे पहले इसे फार्मिंग तरीके में रखा है, तो इसे मैं साइड करता हूँ। इसके नीचे है बेबी बनी, भाई साहब ये देख सकते हो आप, बेबी मनी यहाँ पर रखा है। ये है 1 मंथ का, और यहाँ पर हमारा मेल रैबिट है। मेल रैबिट तो इधर रहता है, इसे मैं संभाल के रख सकता हूँ, क्योंकि ये ब्रीडिंग करने के लिए हमेशा तैयार तैयार रहता है, क्योंकि इसे मैंने ब्रीडर रैबिट बनाया है। तो ये हमारा सबसे बड़ा मेल रैबिट, ये देख सकते हो कितना बड़ा हो गया है। इसे अंदर कर देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो ये मेरे अभी के कलेक्शन में रैबिट है फार्मिंग के लिए, और अभी मेरे पास और बेबी बनी आ रहे हैं, और मैं ख़रीद के लेके आ रहा हूँ, तो उस पर भी आपको वीडियो आती रहेगी। आप चाहते हो कि मेरे पास कितने रैबिट है उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कह सकते हो। और मैं अपने रैबिट का कलेक्शन कर रहा हूँ, उसमें मैंने अभी और एक्स्ट्रा रैबिट ऐड करने हैं, वो ब्लैक रंग के। तो आप चाहते हो मैं ब्लैक ऐड करूँ तो आप मुझे ज़रूर करिएगा, क्योंकि वाइट्स मैं सिंपल वाइट से पक चुका हूँ, और मेरी ब्लैक की भी बीमार है, वो बच्चे देने के योग में नहीं है, और अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती है, तो फिर मुझे न्यू रैबिट लेके आना पड़ेगा। सो वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव और व्लॉग्स टाइप पर वीडियो आती रहेगी। तो घर देख सकते हो आप कितना बड़ा दिया हुआ है मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।